बेवकूफ का दौरा करने के बाद तकरीबन 280 या 85 मेंबर जिसके सदर बाबा अंबेडकर को बनाया गया और उनकी सदारत में उनकी कैप्टनशिप के अंदर इस टीम ने बैठ करके काम किया। इसके अंदर टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। फिर जो भी असेंबली के ऊपर के मेंबर थे उन असेंबली के मेंबर के सामने उसको पेश किया गया। कुछ बहसू मुबारका भी हुआ कुछ दफात के ऊपर, तो उसके अंदर फिर इत्तेफाक राय के जरिए से लोगों ने अपने दस्तखत किए। आज भी इसकी ओरिजिनल कॉपी मौजूद है। उस ओरिजिनल कॉपी के अंदर उस वक्त के जो मेंबर थे, कानून साहब कमेटी जो थी, उन सब के दस्तखत, उन सब के सिग्नेचर आज भी मौजूद है। और मैं एक इंडियन नागरिक होने के नाते और मुस्लिम होने के नाते के बाद प्राउडली कहता हूं कि आज भी इस देश के कंस्टिट्यूशन पर प्राउड है, हमें फुल्ली इत्मीनान है। ये देश अगर कंस्टिट्यूशन से चलता है, बंधारण से चलता है, नो ऑब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम, नो आपत्ति, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर इस देश को बंधारण से चलाना चाहते हैं और हर कूम को उसके फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, सोशल जस्टिस हरेक को मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन पैनल कोड जो बनी हुई है, आईसीसी की जो धाराएं बनी हुई है, कुल 395 धाराएं हैं जिस पर पूरा देश जस्टिस कर रहा है, 395। और फिर उसके अंदर 12 चैप्टर और है। इसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है 44 नंबर का एक आर्टिकल है। इसमें सिर्फ ये जो बंधारण बनाने वाले थे उन्होंने पब्लिक से, देशवासियों से यह आग्रह और दरख्वास्त की है कि अगर इस देश का नागरिक चाहे, यहां की पब्लिक अगर इसको चाहती है, प्रमोट करती है, तो वो एक देश एक कानून ला सकती है। वो एक ऐसा कानून लाया जा सकता है, वन नेशनल वन लॉ, और उसके लिए बार बार असेंबली के अंदर जो है नेताओं के दरमियान में झगड़े भी हुए, बातें भी हुई, इसका मौका नहीं। लेकिन हमारे इस देश की जो 25 आर्टिकल है, 5 से लेकर 26, 27, 89 में जितनी है, 29 तक की जो धाराएं, वो इस देश के नागरिक को इस बात का यकीन कराते हैं कि तुम इस देश के अंदर रिलीजन के अतबार से तुम जुड़े फ्री, अपना मजहब तुम अपनी पसंद से चॉइस कर सकते हो। इतना ही नहीं बल्कि आदमी अपने मजहब, अपनी कुल्ली मजहबी एक्टिविटीज के साथ इस देश के अंदर अपने तरीके से, एक रिस्पेक्ट तरीके से, बाहरान तरीके से, कोई उसे खेले जाने, इस तरह से वो अपने मजहब को अपना सकता है, अपने मजहब पर चल सकता है। इतना ही नहीं बल्कि वो इस मजहब का प्रचार प्रसार उसकी तबली कर सकता है। ये इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। बुजुर्गों भाइयों, मैंने पहले ही बताया कि बात गंभीर है, सीरियस है, और
इसको बोला नहीं जा सकता है कि उपाय तो सब सकते उपाय। और मेरे बुजुर्गों और भाइयों एक बात याद रखो, मुसलमान कभी डर से जिंदगी नहीं गुजारता। मुसलमान को अगर डर हो तो अल्लाह का डर हो, उसके अलावा किसी का डर मुसलमान को नहीं होना चाहिए। हां मुस्लिम न कभी एंटीनेशनल था न कभी एंटीनेशनल रहेगा और न है, और न अलावा एंटीनेशनल एक्टिविटीज की उनको गाइडलाइन करती है, न हमारी शरीयत, न हमारा कुरान, न हमारी हदीस, न हमारे सहाबा के किस्से। पूरी इस्लामिक हिस्ट्री ओपन किताब है, आप इसको पढ़ो। किसी जगह टेररिज्म को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए से भोले भाले सीधे सारे लोगों के दिमाग को खराब किया जा रहा है। खुसूसन कैंसर लोग जो जानकार पर संस्कार होते हैं वो टीवी जगतों के अंदर न्यूज के अंदर इस तरह की बातें लाते हैं, और हमारे नौजवान को जिनके फंडामेंटल राइट का नॉलेज नहीं, तो जनाब इशारा करता क्या होगा। बुजुर्गों भाइयों मेरी आपसे अपील है, आप उस दिन फंडामेंटल राइट को पहचाने और अपने फंडामेंटल राइट के साथ पूरी इनिशिएटिविटीज के साथ इस देश के अंदर रहे। ये देश हमें मजहबी एतबार से, रिलीजियस एतबार से फ्री करा दे रहा है, और हमें इस बात की इजाजत है कि हम हमारी धारी के साथ, हमारी टोपी के साथ, हमारी तबली के साथ, हमारी तबलीग जमात के साथ, हमारे दिमाग के साथ और कुल मीटिंग एक्टिविटीज के साथ हम इस देश के नागरिक बनकर यहाँ रह सकते। कोई बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हमारे रास्ते में आ नहीं सकती और हमें यहाँ से हटा नहीं सकती। बुजुर्गों भाइयों और मेरे बात आप कहते हैं कि मौलाना क्या कहने से क्या फायदा, अल्लाह का घर है और ये तो मिलकर लकड़ी के यहां झूठ बोलो तो जना बता का कहे उतरे। ये बात मैं सिर्फ आपकी ये मक्की मस्जिद के प्लेटफॉर्म से कह नहीं सकता, बल्कि अगर आप मुझे कहें तो मैं देश के दाल के लिए बात कहने के लिए तैयार हूं। आप बड़े से बड़े मंत्री के सामने कहे तो मैं ये स्पीच देने के लिए तैयार हूं, एसपी डीएसपी के सामने मैं ये स्पीच देने के लिए तैयार हूं, और किसी भी मंच के ऊपर आप मुझे खड़ा कीजिए, इंशाअल्लाह मैं ये मैसेज देना चाहता हूं। कुछ मौत है, कुछ ग्रेडिंग है, कुछ भीड़ है जो पक्षपात करती है, देश का माहौल खराब करती है, देश की शक्ति को तोड़ती है और संस्कृत बने हुए हैं अपने मतलब के लिए, मतलब को हार बनाया जा रहा है, हम इसके विरोधी हैं। जी हां, मुसलमान सरकार का विरोधी नहीं है, ये पुल के पुल में जो सरकार के एजेंट है, दरार है और जो बात पहुंचाना चाहते हैं पूछ लो। मुसलमान सरकार का विरोध नहीं है, मुसलमान उस एक्टिविटीज का विरोध है जिसके अंडरस्टैंडिंग होता है, पक्षपात होता है, लोगों के फंडामेंटल राइट को डैमेज किया जाता है, सोशल जस्टिस से दूर रखा जाता है। ऐसे सिस्टम से हम लोग राजी नहीं है, इस सिस्टम के हम खिलाफ है। ये जो सिस्टम जारी है उस सिस्टम का हम विरोध कर सकते हैं और कर रहे हैं। बुजुर्गों और भाइयों जहां तक क्रिमिनल लॉ है तो इसमें तो सारे इक्वल है। क्रिमिनल लॉ जो है जो इंडियन पेनल कोड कहते हैं तो वो तो इसमें तो सब बराबर है, लेकिन जो मजहबी एतबार से जिसको पर्सनल लॉ कहा जाता है, इसमें हर कम्युनिटी के पास अपना एक पर्सनल लॉ है। सिख कम्युनिटी के पास, बौद्ध कम्युनिटी के पास, सनातन धर्मी के पास,
और इसी तरह से ईसाई के पास ये देखिए कोई एक कला की धर्म तो नहीं बचता है, यहाँ की इंडस्ट्री की लेने वाले कोई एक धर्म के मानने वाले को लेंगे, ये तो अलग अलग धर्म का गुणवत्ता है। यहाँ ईसाई है, यहाँ सिख है, यहाँ बौद्ध है, यहाँ सनातन धर्म के लोग हैं, सारे अल्लाह हर एक के लिए अपने मजहबी और हमारा इस्लाम इसके खिलाफ भी नहीं है। अब बताइए वो भी इंडियन इंडिया के अंदर रहने वाला इंडियन हिस्ट्री से जो वाकिफ था वो कोई भी बड़े सुबह बुद्धिजीवी मेरे सामने आकर कहे कि कभी मेरी मुस्लिम पब्लिक से मेरे ईमान वाले भाइयों ने तुम्हारे खिलाफ इस तरह का प्रोटेस्ट किया हो कि तुम ये भी कर सकते, तुम ये भी खा सकते, तुम ये भी कर सकते। बताओ क्यों करेगा मुसलमान? इसलिए कि उनके कुरान उसके रहमान ने कहा है लकुम दीनुकुम वली दीन, लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। एज यू लाइक आपके सामने जो रास्ते पड़े थे हम क्लियर करते हैं, देखो ये रास्ता है, ये रास्ता है, हम उसको चॉइस करना ये आपकी मदद है। आज तक हमने ये कहा कि जनाब तुम क्रिश्चियन मत रखो, आज तक हमने नहीं कहा कि तुम ये श्री राम के नारे न लगाओ, आज तक हमने नहीं कहा कि तुम भजन मत बजाओ, आज तक मेरी कौम ने यही कहा कि तुम बेटे मत करो। क्यों हमारी कौम पर ये ऐतराज, क्यों ऑब्जेक्शन, क्यों ये बोले कि अजान नहीं हो सकती, हिजाब नहीं हो सकता, दाढ़ी नहीं रख सकते, हम पैलेस पर नमाज नहीं हो सकती, कौन सी एक्टिविटीज पर तुमने नहीं बोला है? अरे मुसलमान अपने घर में क्या खाता है इससे भी तुम्हें पड़ी हुई है। बुजुर्गों भाइयों, जो लोग मनमानी करते हैं और अपनी एक मैली हुकूमत चलाना चाहते हैं, उन तक मेरा यह पैगाम पहुंचा दो और अल्लाह पहुंचाएगा। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने कहा था इब्राहिम आवाज दो, तुम्हारी आवाज को मैं पहुंचाऊंगा। जुल्म की कहनी सदा बनती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म से हुकूमत करोगे सकते हुए जाएंगे। ये लोग का ही है डेमोक्रेसी है, और इब्राहिम लंदन ने सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की जो उसने जो तारीफ नकल करवाई है, जो डेफिनेशन डिफाइन की है, वो ये है फोर पीपल बाय द पीपल, लोगों से चलने वाला रूल, जनता जनार्दन जिसको कुर्सी पर विराजमान करना चाहे उसको चलाती है, और जनता जनार्दन जिसको कुर्सी से निकालना चाहे निकाल सकती है। ये है लोकतंत्र की शक्ति, असली लोकतंत्र की शक्ति, डेमोक्रेसी जिसको ओरिजिनल डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है। और आज भी हमको गर्व है, आज भी हम फक्र से कहते हैं कि आज भी मेजोरिटी में इस देश के अंदर डेमोक्रेसी बची हुई है। हम मना नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, देश के बंधारण को संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और एक अपनी मां करने वाली और अपनी एक नई सोच समझ वाली जो है बंधारण को कायम करना चाहते हैं, लेकिन उसे इस देश का जो अमन पसंद शहरी है वो उसकी इजाजत कभी नहीं देगा। बुजुर्गों भाइयों, जब हमने जमहूरी किया 26 जनवरी रिपब्लिकन डे, हमें क्या पैगाम दे रहा है हर देशवासी? अपनी डी एक्टिविटीज में उतरी है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि जनाब मुस्लिम खातून बहुत सारी फैल सकती है? बुजुर्गों भाइयों, मेरी बात सुनो, नौजवान भाइयों खास तौर पर तुम सुनो मेरी बात, अल्लाह रब्बात है, हमने जब से जो है होश संभाला है, हमारे माँ बाप ने हमको तालीम दी है कि बेटा रोजी कौन देता है, कि अल्लाह
छोटा बच्चा होता है, माँ बाप पूछता है कौन खिलाता है, तो बच्चा कहता है अल्लाह। बेटा रोटी कौन देता है, बेटा लड्डू कौन देता है, कपड़े कौन देता है, अल्लाह। हमारे माँ बाप ने ये तालीम दी है कि रोटी देने वाली बात अल्लाह की है। बुजुर्गों भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, जहाँ आपका दीन डैमेज हो रहा हो, जहाँ आपकी शरीयत को डैमेज किया जा रहा हो, जहाँ शरीयत का इंसल्ट किया जा रहा हो, कहो अगर वहां से दीन को कुर्बान करके तुम क्या दुनिया में प्रमोट करना चाहते, क्या हासिल करना चाहते। हाँ जी, अपनी चीज के साथ अल्लाह को मुबारक करे। आप अपने ऑफिस में जाइए, अपने आईडी के साथ जाइए, अपने सिपोर्ट के साथ जाइए, आप अपनी ये दवाखाने में जाइए, अपने ऑफिस में जाइए, आपका जो भी फील्ड है उस फील्ड में जाओ, अपने पूरे तसव्वुर के साथ, अपने पूरी इस्लामी पहचान के साथ, और गर्व से कहो कि मैं मुसलमान हूं। किसी भी जगह पर अगर तुम्हें अपनी आईडेंटिटी जाहिर करने का मौका हो तो गर्व से कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं नबी का उम्मती हूं। ये कोई जुर्म है? मुसलमान होना कोई जराइम है? ईमान वाला होना कोई जराइम है? मैं पूछना चाहता क्या तुम्हारा धर्म नहीं है? हमारा धर्म क्यों? क्या तुम किसी को माबूद और खुदा नहीं मानते? तो हम खुदा नहीं मानते। क्या तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है? तो हमारे पास आई लाइव बुक, आइडियल बुक नहीं होगी, रोल मॉडल हमारे पास नहीं होगा। बुजुर्गों और भाइयों, ये देश लोकशाही देश है और 26 जनवरी का दिन मुझे वाला को और हर हिंदुस्तानी को ये मैसेज दे रहा है कि इस हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला हर शहरी अपनी मजहबी आजादी के साथ और अपनी मन की तहजीब के साथ इस यहां पर जिंदगी गुजार सकता है। हमारा कल्चर, हमारी तहजीब हमें प्यारी होनी चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं एज इस्लामिक स्कॉलर, एज मुफ्ती, एज ए दीन आलिम, कि आप अपनी कोई भी फुल्ली एक्टिविटी इस्लाम के हुदूद में रखें, शरीयत और सुन्नत की बाउंड्री में इसको रखें। शरीयत और सुन्नत के बाहर आप जाएंगे तो कल को हिंदू को लेकर के तुम्हारा मुसलमान भी कर रहा है तो हम उसको क्या जवाब देंगे? हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, आज भी कहते हैं कि किसी एक मुसलमान इसके गलत अमल को आप पूरी कौम के साथ लाही नहीं कर सकते हैं, पूरी कौम को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। अगर वाकई उसने इस देश के खिलाफ काम किया है, इसे अदालत सजा देगी। हम कहना चाहते हैं, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे नेता हो, अपनी नेतागिरी का गलत फायदा न उठाओ, अपनी सरकारी कुर्सी का गलत फायदा न उठाओ, अपनी पुलिस की वर्दी का गलत फायदा न उठाओ। ये वर्दियां हमेशा नहीं रहती, ये कुर्सियां हमेशा नहीं रहते, ये औरे और ये चमके और ये चंजू हमेशा नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। और जो कुर्सी पर विराजमान होता है, कभी उसे चक्करों का हार भी पहनना पड़ता है। इसलिए जब वक्त है तो हम दुश्मन को निभा लेते हैं। आप हमारे, आप मेरे, मैं आपका, मोमी एक दूसरे का भाई। कुरान कहता है अल्लाह वली आमनू, मोमिनीन का दोस्त और मोमिनीन का मददगार अल्लाह है, मोमिनीन एक दूसरे के दोस्त भाई है। मैं आपका हूं और आदमी अपने को दोस्त सबसे ज्यादा कह सकता है, टीके बैठे में कह सकता है, बड़े अच्छे अल्फाज में कह सकता है। मुझे राइट है कि मैं मेरी कौम का पोलो पकड़ कर नौजवान को कहूं कि तू गलत कर रहा है। मुझे राइट है कि मैं किसी फैमिली के हेड को कहूं, हेड ऑफ द फैमिली को मैं ये कहूं कि तुम्हारी फैमिली में ये चीज गलत हो रही है और तुम हेड ऑफ द फैमिली में
जमीन में शरीयत के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार तू हो, किसी और जिसको भी इसका अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरी कहता बुखारी के रीति रही से कुल्लू तुम राय व कुल्लू तुम मसूल नजराई यकी अल्लाह अपने समाज को आगे बढ़ाए, अल्लाह अपन की तौफीक अता फरमाए। वा अल्लाह वल हमदुलिल्लाह।